प्रधानमंत्री 2024 कौन होगा ये पता चलेगा 4 जून के बाद। लेकिन आज वक्त है आपका, आज बारी है आपकी, क्योंकि आज है मतदान का दिन। और चलिए सबसे पहले शुरुआत में आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक कितना मतदान हो चुका है। 15% मतदान हो चुका है अब तक मध्य प्रदेश में। बात करेंगे बालाघाट सीट की। बालाघाट लोकसभा सीट पर 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बालाघाट के साथ साथ छिंदवाड़ा जहां 15% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। जबलपुर में 13% से ऊपर तो मंडला में 16.39% मतदान अब तक हुआ। शहडोल में 14% से ज्यादा, सीधी में 13% से ज्यादा वोटिंग हुई। तो बस्तर एकमात्र सीट छत्तीसगढ़ की जहां पहले चरण में हो रही है वोटिंग और 12% के करीब मतदान बस्तर में अब तक हो चुका है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम, लोगों की भीड़ और इंतजार लोग कर रहे हैं अपनी बारी आने का। लेकिन अभी तक अगर आपने वोट नहीं डाला है तो जल्दी निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि आज इस घमासान में अपने नेता चुनने की बारी है आपकी। कौन होगा आपका जनप्रतिनिधि, कौन होगा आपका सांसद और किसकी बनेगी केंद्र में सरकार, ये सब सिर्फ आपके हाथ में है। ये देख रहे हैं आप मतदान प्रतिशत की, कहां कितने प्रतिशत हुई है वोटिंग। और इसके साथ ही लगातार आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रण में कहां कितना वोट हो चुका है। राज्यों में हो रहे हैं मतदान और मध्य प्रदेश के आंकड़े अभी तक के आपको हमने बताए कि मध्य प्रदेश में कहां कितना मतदान हो चुका है। देश भर में किस राज्यों में 102 सीटों पर हो रहा है मतदान। और नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वोट डालने पहुंचे। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने वोटिंग की तो नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने वोटिंग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में वोटिंग की तो बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी वोटिंग की। असम के जोरहट में पहुंचे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, जो अपने मताधिकार का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वोटिंग की है, जिसकी 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच देखिए देश भर से आई ये 8 खास तस्वीरें जो आपको बता रही हैं कि मतदान कितना जरूरी है, क्योंकि फिल्मी स्टार से लेकर राजनेता तक और आम जनता जिसका आज दिन है, हर एक वोट जरूरी है और सभी पहुंचने लगे हैं मतदान केंद्रों पर। सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई है और देखी हमने तस्वीरें भी कि 7 बजने से पहले ही लोगों के बीच जो उत्साह देखने को मिला, लगभग 6 बजे से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए देश भर में वोटिंग जारी है, किस राज्यों में हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव 102 सीटों पर। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री भी वोट करने पहुंचे। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आपको दिखाएंगे राजस्थान की तस्वीर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में पहुंचे वोट डालने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में वोट डाला। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मतदान किया। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में वोटिंग की। और मतदान की हर एक तस्वीर, और ये 4 तस्वीरें देखिए 4 राज्यों की, और 4 राज्यों की तस्वीर ये बताती हैं कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जब वोट डालने पहुंचे हैं। और ऐसे में जब बारी आपकी है तो आपको भी तस्वीर यही देखना है और पहुंचना है वोट डालने की। और मतदान की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे रिपोर्टर। सीधे से विवेक तिवारी हमारे साथ हैं, जबलपुर से दुर्गेश साहू, शहडोल से अजय नामदेव और भोपाल से विवेक पांडे जुड़े हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से सुनील यादव, जगदलपुर से अनमोल तिवारी, छिंदवाड़ा से अंचल शुक्ला और भोपाल से सूरज तिवारी ग्राउंड पर बने हुए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि विस्तार न्यूज वोटिंग की पल पल की अपडेट आपको किस तरह से दे रहा है और हर एक बूथ की तस्वीर आप तक पहुंचे, हर एक बूथ का, हर एक मतदान केंद्र की तस्वीर हम आप तक पहुंचाएं, ये भी हमारा फर्ज है और हम बखूबी इस फर्ज को निभा रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं अंचल शुक्ला, अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं जगदलपुर से सीधे लाइव, विवेक पांडे निर्वाचन आयोग के दफ्तर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल में जाऊंगी और विवेक आपसे जानना चाहूंगी,
तैयारियां पूरी की गई निर्वाचन आयोग की ओर से। अब बारी आई है मतदाताओं की, क्या कुछ कहना है निर्वाचन आयोग का और क्या जानकारी आपके पास? पूरा है और सबसे एक बड़ी बात है कि अब तक 15% मतदान हो चुका है और अभी कुछ ही देर में, हर 2 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये वोटर टर्नआउट का परसेंटेज निकालने का ये फैसला किया। और इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर के बाद मध्य प्रदेश में कितना, अभी तक 11 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज कितना है वो भी बताने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये जानकारी निकल के आई है कि करीब 28 से 30% मतदान अभी तक मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हो चुका है। और एक राहत की बात है चुनाव आयोग के सामने कि बालाघाट की 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लाजी है, परसवाड़ा है और बहर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। और सबसे ज़्यादा पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला दिया जाए, 6 लोकसभा की सभी विधानसभाओं को मिला दिया जाए तो करीब 20% बहर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि कहीं कहीं पर भी जो बहिष्कार की जो बातें निकल के सामने आ रही है उसमें लोकल प्रशासन को ये जानकारी दी जा रही है कि जो लोगों की समस्याएँ हैं उसे दूर किया जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए जिससे मतदान मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दावा है कि मध्य प्रदेश में कई और राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में वोट टर्नआउट परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। और एक बड़ी बात है कि सुरक्षा के हिसाब से तमाम सारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं और खास तौर पे जो मेडिकल इमरजेंसी की बात है कि अगर कोई मतदान केंद्र में मतदान कर्मी अगर किसी तरीके से बीमार पड़ता है या कोई तकलीफ होती है तो इमरजेंसी के लिए जबलपुर में हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर रखा है जिससे कि उसको फौरन ही मेडिकल उपचार दिलाया जा सके और उसे रेस्क्यू किया जा सके। बीच में आज मतदाता पहुंच रहे हैं, लौटूंगे मैं आपके पास, लेकिन उसके पहले लिए चलते हैं छिंदवाड़ा। हमारे सहयोगी अंचल लगातार मौजूद है, हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। अंचल, छिंदवाड़ा की राजनीति तो बेहद खास है, हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, लेकिन इसके साथ ही अब बारी है मतदाताओं की, कितने फीसदी अब तक वोटिंग हो चुकी है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए ऋतु, लगभग 12 से 15% मतदान अभी तक हो चुका है। लगभग 3.5 घंटे का समय होने वाला है और ऐसे में अभी लगभग 13 से 15% का वोट यहाँ पर पड़ चुका है। और अभी विवेक बंटी साहू अपने पूरे परिवार के साथ मैं अभी उसी पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं विवेक बंटी साहू यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हुए थे पूरे परिवार के साथ। उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बहन, सारे लोग उनके साथ थे। और इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात करी है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अगर छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जनता, उन्होंने अपेक्षा जाहिर की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए छिंदवाड़ा की जनता 5 लाख से अधिक मतों से उन्हें जिताकर यहां से भेजेगी। और अगर वो संसद पहुंचते हैं तो आदिवासियों के कल्याण के लिए ज़रूर वो काम करेंगे और यहां से रोजगार के लिए जो लोगों को बाहर पलायन करना पड़ रहा है और इलाज के लोगों को नागपुर और दिल्ली जाना पड़ रहा है तो उनका ये प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, सदन के माध्यम से, कि वो जनता की आवाज़ मुखरता से वहाँ रखें और वो सुविधाएँ जो अभी यहाँ नहीं मिल रही हैं वो सुविधाएँ उनको यहीं मिलें। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है उनके साथ आदिवासी, मतलब अंत्योदय, अंतिम समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिले, उसको इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा फायदा मिला, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। और कमलनाथ ने भी और नकुल नाथ ने भी जब मीडिया से बात की थी सुबह लगभग 7 जी बिल्कुल अंचल, देखिए मीडिया से बातचीत जब की तमाम नेताओं ने तो वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। अंचल लौटूंगी मैं आपके पास और लगातार ये अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा में जो अभी ताज़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, देखिए सुबह से ही वोटिंग जारी है लेकिन इसी बीच 12% से ज़्यादा करीब मतदान अभी तक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर हो चुका है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी पर चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है बस्तर लोकसभा सीट जिस पर मतदान हो रहा है। अनमोल हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही कांग्रेस नेता सुबोध हरिद्वाल भी हमारे साथ जी जुड़ गए हैं। सुबोध जी स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर, सवाल भी आपसे लूंगी लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी अनमोल के पास जा रही हूं और जान लेते हैं कि कितने प्रतिशत अब तक मतदान हो चुका है। अनमोल, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी ऋतु, देखिए बस्तर जो है एक ही ऐसा लोकसभा सीट है जहां छत्तीसगढ़ में आज मतदान हो रहे लोकसभा में और 12% के लगभग जो है मतदान संपन्न हो चुके हैं बस्तर में। और बस्तर लोकसभा में सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो बस्तर विधानसभा में हुआ है जहां पर 17% के आसपास जो है मतदान हुआ है। दिखाइए आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। अनमोल तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल जी,
बिल्कुल रितु, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और जब हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देखेंगे तो अपने हंसी को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र। और देखिए इस मतदान केंद्र में आपको क्या नजर आएगा, बकरी, यहाँ पर बकरी रखी हुई है और ये देखिए बकरी जो है यहाँ पर पोहा खा रही है, ये बकरी है। और यहाँ देखिए किस तरीके से जो है एक चूल्हा बनाया गया है और इस पर तावा आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर ये जो बस्तर की संस्कृति जो झलकाई गई है, मैं आपको बता रहा हूँ रितु, इसके अंदर मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को बुलाऊंगा कि आइए और दिखाइए किस तरीके से जो है यहां पर मुर्गी रखी गई है। देखिए रितु, ये बहुत ही अनोखी तस्वीर है, ऐसी तस्वीरें हमें आम तौर पर चुनाव में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जगदलपुर का जो आदर्श मतदान केंद्र है वहां पर ये तस्वीरें हैं, मुर्गी रखी हुई है और ये देखिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई है, आप देख पा रहे होंगे इसमें अलग अलग तरीके का। और क्या बोल रहे, ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है सर इसकी, क्या बनाया गया बताइए? ये तो उसको बोलेंगे बस्तर में लाड़ी, कुमटी बोलेंगे इसको। और ये देखिए ये मतदाता जो पहुंचे हैं वो इस तरीके के जो सिंह हैं माड़िया के वो पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कैसा लग रहा है, ये सब संस्कृति झलकाई गई है? ये पूरे बस्तर की संस्कृति जो पूरे विश्व में फेमस है और ये बस्तर के रीति रिवाज है। बिल्कुल, तो देखिए रितु मैं और भी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मतदान केंद्र बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है ये नाव तैर रहा है, यहाँ पर जो है ये छोटा सा देखिए आप गड्ढा देख पा रहे होंगे इसमें पानी है, ये जो है खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और फिर से मैं उस बकरी के पास आऊंगा, उस बकरी के पास आऊंगा और जो उनको पाल जो उनका देख रेख कर रही है उनसे बात कर लेते हैं। ये बकरी यहाँ पर है, पोहा खा रहा है, ये क्या कुछ है बता दीजिए, मतलब ये क्यों? बिल्कुल, संस्कृति किस तरह से छत्तीसगढ़ की दिखाई देती है हर एक पर्व पर, और इसी तरह से लोकतंत्र के महापर्व पर भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। अनमोल, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन अगर बात हो रही है बस्तर की और बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो ऐसे में कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, चुनाव को लेकर उत्साहित तो होंगे, दावे भी कई होंगे। सुबोध जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध जी, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपका चाहूंगी ढेरों शुभकामनाओं के साथ, और क्या कहना चाहेंगे, वोटिंग शुरू हो चुकी है, अब जनता की बारी है। लेकिन सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ के माध्यम से आज लोकतंत्र के जो त्यौहार का पहला दिन है, इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का त्यौहार है, आज हम सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता इस लोकतंत्र के त्यौहार में नफरत के खिलाफ वोट डालने के लिए निकली है, देश की जनता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालने के लिए निकली है। और मुझे विश्वास है कि जब ये लोकतंत्र का त्यौहार अपने अंतिम चरण पर होगा, तब तक लोगों के चरण जो इस देश को बर्बाद कर चुके थे वो इस देश से जा चुके होंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इन काले बादलों के बीच में से एक ऐसा सूरज चीरते हुए देश की धरती को रोशन करेगा, जो देश में महंगाई को कम करेगा, देश में बेरोजगारी को कम करेगा, इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ न्याय करेगा। सुबोध जी, जिस सूरज की आप बात कर रहे हैं वही सूरज तो नहीं उग पा रहा है, वही सूरज तो नहीं दिख रहा है, जनता और पूरा देश उसी सूरज का इंतजार कर रहा है, और 2023 में भी इंतजार खूब किया था, लेकिन बस्तर की 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी फिर क्यों ले गई? मुझे ये बोलते हुए कोई शंका नहीं है कि 10 साल का जो अंधेरा था वो अब छटने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है, और मुझे विश्वास भी है कि इस बार जनता, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस विधानसभा पर जीता है, कौन किस नगर निगम में जीता हुआ है, लोकसभा का चुनाव देश के कंटेक्स्ट का चुनाव होता है, देश के विषयों का चुनाव होता है, और आप मानिए इस देश में सबसे बड़ा विषय महंगाई है। मेरे और आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है, ये लोग कहते थे 400 रुपए में मिलेगा, 300 रुपए में मिलेगा, बाबा रामदेव कहते थे 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, मोदी को ले आओ, आज क्या वो हुआ? वो सब चीजों को देश की जनता 10 साल से देख रही है। युवाओं के साथ क्या हुआ आप बताइए ना, युवाओं को कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ नए रोजगारों का सृजन हो जाता, हुए नहीं हुए? तो ऐसी चीजों को जनता लगातार ऑब्जर्व कर रही है, और मुझे लगता है कि 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, जनता ने मोदी जी को समय दे दिया, और अब जाने का समय है। आपकी स्क्रीन पर भी बाबा रामदेव दिख रहे हैं, मैं तो बाबा रामदेव से सवाल करना चाहता हूँ। सुबोध जी, बाबा रामदेव जी से आप सवाल कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए कि 10 साल तो बहुत बड़ा समय होता है देश के विकास करने के लिए, योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए, लेकिन जब दीपक बैज को समय मिला तो आखिर उनका टिकट क्यों कटा? आपने ही अपने प्रत्याशी पर, अपने पिछले प्रत्याशी पर विश्वास नहीं किया, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया, तो कोई ना कोई तो वजह आप भी बस्तर में देख रहे होंगे कि इस बार कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, और ऐसे में उनका टिकट कटना, इस पर सवाल नहीं उठेंगे तो किस पर उठेंगे? सुबोध जी, देखिए
मैं उस मामले में पार्टी का स्टैंड बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है। दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष, आपने कहा ना प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरी 11 सीटों की। दीपक बैज जी पूरे 11 सीटों पर घूम रहे हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के 11 प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों पर कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव में दी थी, 8 में से एक सीट नहीं जीत पा रहे हैं, लोकसभा सीट में जीत के दावा के आधार क्या, क्योंकि सवाल कई है ना सुबोध जी, आप जितना बड़ा जवाब देंगे लेकिन उसी के साथ सवाल भी उठते जाएंगे। मुझे बोला आप निर्णय कर रहे हो कि मैं लोकसभा की सीट हम जीत नहीं पा रहे, सुबोध जी अगर हमें निर्णय करना होता तो आपका पक्ष हम सुनते भी नहीं, अगर हमें निर्णय करना होता तो हम सीधे 4 जून का इंतजार करते। निर्णय क्यों कर रहे हो कि आप निर्णय क्यों कर रहे हैं कि हम लोकसभा की सीट जीत पा रहे हैं? मैं पीछे की बात कर रही हूं, इसी विस्तार न्यूज़ के चैनल पर बैठूंगा जिस दिन परिणाम आएंगे। भविष्य की बात नहीं करती हूं, मैं भविष्य की बात नहीं कर रही हूं, मैं बातचीत कर रही हूं पुरानी बातों की। शुभकामनाएं खूब है, पूरे विस्तार न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ। एक जवाब दे दीजिए कि जब विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए तो लोकसभा में आपके दावे कैसे मजबूत। आपने दीपक बैज जी पे पूछा, मेरा जवाब तो ले लीजिए। जी जवाब दीजिए सुबोध जी, आपने दीपक बैज जी पे पूछा ना, मेरा जवाब तो लीजिए। अगला सवाल भी उन्हीं के लिए था, जवाब दीजिए सुबोध जी। अगर आपको जवाब नहीं चाहिए तो आप सवाल एक तरफ से करते रहिए, मैं बैठा रहता हूँ। सुबोध जी जो सवाल मैंने पूछा आपके पास, जो मौका बैठा रहता हूँ, आप सवाल करते। सुबोध जी जो मौका दिया है जवाब दीजिए। तो मैंने वही कहा, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष है, दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं पूरे 11 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशी दीपक बैज हैं, और पूरे 11 सीटों में कार्यकर्ताओं को एकजुट कर कांग्रेस के लिए लड़ने के लिए कोई ना कोई नेतृत्व करता होता है। वो नेतृत्व करता अगर चुनाव लड़ने जाता तो हमारा नेतृत्व कौन करता? टिकट कटी नहीं है, दीपक बैज जी की सहमति से कवासी लखमा जी उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम उस सीट पर भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम सीटों पर जीतेंगे। यही मेरा आपके लिए और जनता के लिए संदेश, आप निर्णय ना करें। ठीक है, निर्णय नहीं कर रहे सुबोध जी, आगे भी आपसे जवाब लेते रहेंगे और आपका पक्ष जानते रहेंगे। तो बात जब बस्तर की हो रही है, कवासी लखमा की हो रही है, दीपक बैज की हो रही है, तो बात मतदान की भी कर लेते हैं। मेरे सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या अपडेट आपके पास है, कितने फीसदी अब तक मतदान हो चुका है? संजय ऋतु, अलग अलग जिलों से आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, मेरे पास अभी सुकमा का आंकड़ा है जहां पर लगभग 15.42% मतदान जो है वो 11 बजे तक हुआ है। मैं दंतेवाड़ा में हूँ, यहाँ भी लगभग स्थिति यही है, लेकिन ये आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा है, आधिकारिक आंकड़े आने में कुछ समय लगता है। मैं जिस श्यामगिरी गांव में खड़ा हूँ वहाँ लगभग 50% के आसपास मतदान अब तक हो चुका है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े आने में कुछ समय और लग सकता है। मेरे पीछे अभी भी आप देखें तो मतदाताओं की कतार लगी हुई है, 623 वोटर हैं, 300 से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो अंदर जा चुके हैं, मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, इसके बावजूद अब भी देखिए कतारें लगी हुई है। संजय देखिए कतारें हर मतदान केंद्र पर लगी हुई, बिल्कुल यही खूबसूरत तस्वीर संजय हर मतदान केंद्र पर देख रहे हैं कि लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर खास है। संजय रोक रही हूं मैं आपको, अनमोल आपके पास आ रही हूं, नजारा बेहद खूबसूरत है आदर्श मतदान केंद्र का, क्या अपडेट लेकर आए अनमोल? जी देखिए ऋतु, चाहे हम बस्तर के ग्रामीण इलाकों की बात कर ले या शहरी इलाकों की, मैं तो जगदलपुर में हूँ, ये शहरी इलाका है, यहाँ पर भी जो है ये तपतपाती गर्मी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यहाँ का फिलहाल का टेम्परेचर मैं बताऊँ तो 38 से 40 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ उस जगह को कि जहाँ पर जो लोग हैं वो कतार में खड़े हैं, वो देखिए आपको मैं दूर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन लोगों के लिए जो एक टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि लोग जो है इस धूप से जो है बच सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ऋतु कि लोग इस तपती धूप में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस में भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं, छतरी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर अवश्य पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, और खास करके बस्तर के लिए, क्योंकि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धूप बढ़ रही है लेकिन लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दंतेवाड़ा में संजय मौजूद है। संजय, 5 साल में कितना बदला है दंतेवाड़ा, ये तस्वीर तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करिए कि उनके मुद्दे क्या हैं और कौन से मुद्दों को लेकर वो आज पहुंचे हैं अपने अधिकार का उपयोग करने। ऋतु, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, ये इलाका जो है ये
घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी ग्रामीण से बात ना करूं, क्योंकि अक्सर नक्सली जो है इसके बाद ग्रामीणों को निशाना बनाते हैं। फोर्स कुछ देर बाद यहां से चली जाएगी वापस। इन ग्रामीणों को वापस नक्सली खौफ के साए में जाना पड़ता है। यही वजह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं किसी ग्रामीण का चेहरा नहीं दिखाऊं, उनसे बात ना करूं, ताकि हमारी वजह से, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हमारी वजह से किसी भी ग्रामीण को कोई खतरा ना हो। इसलिए मैं बच रहा हूँ इस बात से। लेकिन जवानों से बातचीत करिए और उनसे जानिए कि क्या व्यवस्थाएं इस बार हैं, क्योंकि जनता सुनना चाहती है कि बस्तर में क्या तस्वीरें हैं। रितु तस्वीर देखिए, तस्वीर दिखाता हूं। देखिए जहां जवान आपको दिख रहे हैं, ये सीआरपीएफ के जवान हैं। ये लोग कल रात 2 बजे से इस पोलिंग बूथ पर आ गए थे, पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे, रात भर से ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर नक्सली रात में ही जो है पोलिंग बूथ में आकर उत्पात मचाते हैं। यही वजह है कि रात 2 बजे से जवान यहाँ तैनात हैं। भूखे प्यासे जवान जो है यहाँ डटे हुए हैं लगातार, ताकि ये लोकतंत्र का महापर्व जो है ये सुचारू तरीके से इसे संपन्न कराया जा सके। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जवान बात नहीं कर सकते फिलहाल यहाँ पर, और यही वजह है। लेकिन इन तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इलाका है, ये इलाका जहाँ 5 साल पहले विधायक की हत्या हो जाती है, इस इलाके में भी ग्रामीण बड़ी संख्या में निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल 623 वोटर हैं इस श्यामगिरी गांव में, और लगभग 300 के आसपास अब तक यहां वोटर्स जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो ये इस इलाके की खूबसूरत तस्वीर है। पिछले बार भी देखिए इस बात को ऋतु ध्यान देना चाहिए, 9 अप्रैल 2019 को विधायक की हत्या की थी नक्सलियों ने, और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 अप्रैल को मतदान था, और उस वक्त भी श्यामगिरी गाँव के लोगों ने 86% वोट दिया था। सोचिए आपकी 2 दिन बाद अगर बिल्कुल संजय रोक रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें लगातार दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं कांग्रेस और कमलनाथ को समर्थन करूंगा। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके ने 15 दिन पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन इसी बीच महापौर का ये बड़ा बयान, क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अंचल जुड़े हुए हैं। अंचल, आखिर चल क्या रहा है छिंदवाड़ा में? बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं, कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला बीते दिनों जारी रहा, लेकिन इसी बीच आज विक्रम अहाके कुछ और ही कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में यू टर्न कहते हैं इसको ऋतु, और बहुत जल्दी ले लिया इन्होंने यू टर्न। चुनाव होने के पहले शामिल हुए और इसके बाद मतदान के दिन ये इस तरीके की अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे घुटन हो रही थी और मुझे इस चीज़ की का एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने या कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किया है और ये क्या कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि कल मेरे साथ क्या होगा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन आज मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि नकुलनाथ के लिए आप वोट करिए और 2 नंबर का बटन दबाइए। इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी या वो कह रहे हैं कि मैं किसी दबाव में नहीं कह रहा हूँ। मुकेश तिवारी हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं, मैं उनसे जरूर समझना चाहूंगा क्योंकि छिंदवाड़ा में लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरीके का यू टर्न क्या वजह है, क्या लगता है आज ये अपील करना क्या असर डाल सकता है? भाजपा का दामन थामा था, वहाँ भोपाल जाकर उसने बी डी शर्मा और सीएम के समझ दोपहर में जो थी, लेकिन जो चर्चा का विषय था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको दबाव था, नगर निगम में वो महापौर थे, महापौर में नगर प्रशासन का दबाव आ रहा था, इस वजह से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन अचानक से आज उसका यू टर्न करना एक बहुत बड़ी बात हुई, जिससे पूरे शहर में ये चर्चा है कि महापौर का वापसी आना एक बड़ी बात होती है। आदिवासी बेल्ट में कहीं उसका अच्छा होल्ड माना जाता था, तो अब देखना ये होगा कि अब आगे के परिणाम कैसे होंगे।
महापौर बनाने में भी कमलनाथ की अहम भूमिका रही थी। बिल्कुल बिल्कुल अंजल, मैं लौटूंगी आपके पास। और इसी बीच दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि आखिर महापौर आके ने कहा क्या है। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपील आपने सुनी, बीजेपी में शामिल हुए हैं महापौर विक्रम आहाके, लेकिन आज कुछ और ही बयान, और ये बयान बता रहा है कि वो कांग्रेस के लिए समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस इस पर क्या कहती है जान लेते। सुबोध जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लगातार बने हुए हैं। सुबोध जी, बस्तर सीट की तो हम बात करेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है। जो बयान आपने अभी सुना होगा विक्रम आहाके जी का, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर देखने को मिली थी और मुस्कुराने की वजह भी है, क्या कहेंगे? लेकिन ऋतु जी, मैं थोड़ी देर पहले जिस मुद्दे पर आपसे लड़ रहा था ये उसी को तो विक्रम आहाके ने चरितार्थ कर दिया। विक्रम आहाके जैसे लोग, जिन्हें एक गरीब मजदूर परिवार का लड़का, जिसे नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने महापौर बनाया था छिंदवाड़ा का, एक युवा और छात्र नेता हुआ करते थे वो, उन्हें महापौर बनाया था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में इतने दिन जाकर, मुश्किल से मुझे लगता है 15-20 दिन इन्हें हुए भारतीय जनता पार्टी में गए, और मुझे लगता है 15 दिन में ही जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को समझ जाए और वो घर वापस आ जाए, तो मैं विक्रम भाई का स्वागत करता हूं। और इसी तरीके से मैं दावा भी करता हूं, जितने लोग इस प्रवेश उत्सव में भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये चुनाव खत्म होते होते अपने घरों की ओर वापस दौड़ेंगे। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता पर दबाव बनाने के लिए दिखा रहे हैं कि हमारे पास लोग प्रवेश करें। मैं एक और बात कहना चाहता हूं ऋतु जी, क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन है कि उन्हें आज कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, ना ही नहीं पता कितनी छोटी और बड़ी पार्टियों से लोगों को अपनी पार्टी में लेना पड़ रहा है? तो फिर किस बात का 400 सीट का दावा है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के चेहरे पर अगर 400 सीट जीत रहे थे तो उन्हें विक्रम आहाके की जरूरत क्यों पड़ी? छत्तीसगढ़ में कल शिशुपाल सोरी को ले रहे हैं, संतोष कौशिक को ले रहे हैं, विष्णु यादव को ले रहे हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है अगर आप 400 सीट जीत रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की डर और घबराहट है। और मैं फिर कहता हूं, विक्रम आहाके जैसे जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन क्या लगता है सुबोध जी, जिस तरह से आप दावे कर रहे हैं, समय बताएगा। ठीक है, आप दावे कर रहे हैं तो क्या दीपक सक्सेना भी लौटेंगे? तो क्या दीपक सक्सेना भी लौटेंगे? दीपक जी को लेकर क्या कहिएगा सुबोध जी? सुबोध जी, दीपक सक्सेना जी हो, जितने भी लोग हो, मैं तो कह रहा हूं ना कि जो भी गया होगा, हर व्यक्ति जल्द से जल्द अपने घरों की ओर वापस दौड़ लगाएगा। ये आप देखिएगा, ये देश का मूड है। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। 10 साल की सरकार में इन्होंने झूठ, फरेब और जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि 10 साल के घने अंधेरों को चीरते हुए सूरज धरती को रोशन करेगा और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, महिलाओं की सरकार बनेगी, देश के किसानों को एक रूपता के साथ MSP देने वाली सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। मैं आपको दावा, ठीक है, देखना होगा सुबोध जी के किसके दावों पे दम है। तो बात लगातार करेंगे महाकौशल की, और आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां हमारे संवाददाता ने राकेश सिंह से बात की। क्या कुछ कहा है, सुनवा। जबलपुर में 20 साल से सांसद और अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, वोट देने आए हैं। चेहरा बदला है, लेकिन आपका स्वभाव और आपका जो कर्म था जबलपुर, वो लगातार हमने चुनाव के दौरान देखा, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव के मैदान में है तो कार्यकर्ता भाव यही है कि फ्रंट पर रहकर और अपनी उस लड़ाई को जिसके लिए हम जाने जाते हैं या जिसके लिए हम मैदान में उतारे गए हैं, उसको हम जीतने के प्रयास करें। और जब नेतृत्व हमारा इतना लोकप्रिय और सक्षम हो कि पूरी दुनिया में जिनके प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा हो,
तब ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होती, बहुत आसान हो जाती है। जीत का अंतर हमेशा आपके कार्यकाल में बढ़ा है, इस बार भी वो रिकॉर्ड टूटेगा? मुझे ये कहते हुए खुशी है, जनता का आशीर्वाद है, मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभारी हूँ कि चार बार तक मुझे पार्टी ने यहाँ लोकसभा की टिकट दी और जनता ने चारों बार आशीर्वाद दिया, और ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि इतिहास बनाया, हर बार जीत के अंतर को बढ़ाकर मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार भाई आशीष दुबे जी, जो पार्टी के एक योग्य कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी ने टिकट दी है, वो पहले से यानी मेरी लीड से अधिक लीड से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, छिंदवाड़ा के लिए प्रतिक्रिया, सवाल बहुत सारा। छिंदवाड़ा 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार इस बात के लिए। ये थे हमारे साथ राकेश सिंह जी, जिनका दावा है कि 29 के 29 हम इस बार जीत रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो देखिए, एक तरफा जीत का दावा कर रही है बीजेपी, हालांकि दावों में है कितना दम ये तो बताएगा समय, लेकिन कटनी के मझगवा मतदान केंद्र में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। 80 साल की सतिया बाई हो या फिर 77 साल की फूल बाई, सभी ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। साथ ही विस्तार न्यूज के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। तो कटनी की एक तस्वीर है और ये तस्वीर बता रही है कि हर मतदाता अपने अधिकार को लेकर कितना जागरूक है। तार मतदान जो है वह सुबह से ही चल रहा है, लेकिन एक वृद्ध जो है वह बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और सुबह से ही आकर लाइन में लगकर मतदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वोट डाल दी, वोट डाल दी, हाँ। कहाँ है क्षेत्र के मुद्दे, कहाँ सोच के वोट डाली हो? अब हम काउन सोच के, अब भगवान हमी जो कुछ हुआ हो तो मिलो चाही, हमारा घर है, हैं घर मिल जा, घर गिर गा तो घर का हमी न दई है, घर गिर गाओ है। हाँ, ओ आप बताइए क्या चल रहा था दिमाग में जब वोट डाल रहे थे? तो अब वोट डाल दिए, कुछ समझ चाहिए हमको, भाई वृद्धा हम हैं, लड़के बच्चे किसके काम देते हैं, अपना अपना देखते हैं, हाँ। अपनी औलाद को, हाँ। हाँ। जैसा उनका विचार पर है तो करेंगे। अच्छा, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगी मतदान को लेके? क्या कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए दिए, सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें, सब बढ़ चढ़ के मतदान किए हैं, सब कोई किए, पूरा घर आया हमारा। आप देख सकते हैं कि वृद्ध जो हैं वे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं विस्तार न्यूज के माध्यम से कि बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करें। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी की। देख रहे हैं आप तस्वीर, और कटनी की तस्वीर ये बताती है कि जब 88 साल की बुजुर्ग पहुंच सकती हैं मतदान करने, 77 साल की बुजुर्ग पहुंच सकती हैं मतदान करने, तो आप तो युवा हैं, अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो जल्द से जल्द पहुंचिए और मतदान करिए। और देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में चल रहा है मतदान, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत वोट देने पहुंचे, चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने वोटिंग की, तो नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ पहुंचे वोट देने, हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने वोटिंग की, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में वोटिंग की, बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वोटिंग की, तो असम के जोरहट में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई वोटिंग करने पहुंचे। यूपी के रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वोटिंग की है, और ये 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं लोकतंत्र के महापर्व की, जहां दिग्गज भी पहुंचे वोटिंग करने, राजनेता पहुंच रहे हैं, फिल्मी स्टार पहुंच रहे हैं। 8 तस्वीरें देखिए, नागपुर, चेन्नई, हरिद्वार, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी वोट करने पहुंच रहे हैं जिन राज्यों में वोटिंग जारी है, और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और ये देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वोट देने पहुंचे नागपुर में, इधर चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और देखिए, लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे, और सीधे आपको लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अनुपम राजन, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीयूज की संख्या 59 और वीवीपैट की संख्या 88। इसके बाद एक्चुअल पोल फिर आरंभ किया गया प्रातः 7 बजे, और 7 बजे से अभी तक सभी 13,588 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है।
सुबह 9 बजे तक की जानकारी भी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी के पास है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तक का जो पोल था वो लगभग 15% था, और 11 बजे तक जो सेकेंड राउंड हम 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक अभी का जो पोल परसेंटेज है वो 30.46 है राज्य का प्रथम चरण में जो संसदीय क्षेत्र हैं। यदि हम इनको संसदीय क्षेत्रवार देखते हैं तो जो पोल परसेंटेज है बढ़ते हुए क्रम में मैं बता रहा हूँ, सीधी में अभी तक जो मतदान हुआ है वो 26.03% है 11 बजे तक का जो प्राप्त जानकारी है। थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। शहडोल में ये परसेंटेज 29.57 है, जबलपुर में 27.41 है, मंडला में 32.03 है, मंडला में 32.03, बालाघाट में ये 35.64 है 35.64, और छिंदवाड़ा में ये 32.51 है। मतलब 6 संसदीय क्षेत्रों का अगर हम 32.51 अच्छी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीधी में 26.03, शहडोल 29.57, जबलपुर 27.41, मंडला 32.03, बालाघाट 35.64, छिंदवाड़ा 32.51। तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा पोलिंग रिपोर्ट हुई है वो बालाघाट से हुई है 35.64। यदि हम इसको विधान हालांकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसको वेबसाइट पे भी अभी आपकी जानकारी डाल देंगे, विधानसभा वार अगर हम देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है वो अभी तक बैहर में हुई है 43.96 मेरे से, हाँ बैहर सबसे ज़्यादा है, बालाघाट में 43.96। अगला उसके बाद जो दिखता है मुझे वो परसवाड़ा है, अगेन बालाघाट 40.79। तो मतलब बालाघाट में अच्छी वोटिंग है, पिछली बार भी हुई थी, पिछली लोकसभा में भी आपने देखा था कि 82% के आसपास वोटिंग थी जिस पर हम लोगों ने कल बात की थी। तो वोटिंग परसेंटेज ठीक है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। बाकी हम आपको इवनिंग में एक बार और अवगत कराएंगे जब हम लोग बैठेंगे तो। और आपको कुछ अगर मैंने बताया वो मॉक पोल के दौरान जो चेंज किए गए थे वो बताए, कहीं पे चुनाव बाधित नहीं हुआ है। एक्चुअल पोल के दौरान भी कभी कभी दिक्कत आती है तो जो समय लगता है वो अलग बात है, बट चुनाव सभी जगहों पे चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से किसी प्रकार के हिंसा की कोई शिकायत नहीं या कोई रिपोर्ट नहीं। तो आप सुन रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कहा हुआ है कितने फीसदी मतदान। अब तक मध्य प्रदेश में 30.46% वोटिंग हो चुकी है, छिंदवाड़ा में 32.51% हुई है वोटिंग 11 बजे तक के आंकड़े, और सीधी में 26.03% वोटिंग हुई है, शहडोल में 29% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो बात करते हैं जबलपुर की जहाँ 27% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है, मंडला में 32% करीब मतदान हुआ है, तो बालाघाट में 35% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, और अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है बालाघाट के बैहर के मतदान केंद्र में, 43% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और ज्यादा आपको बता दें सबसे कम जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं सीधी से 26% के आसपास अब तक वोटिंग हुई है सीधी में। सीधी से संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक विवेक 26% मतदान अब तक सीधे में हुआ है, सबसे कम आंकड़े, आखिर वजह क्या मानी जा रही है इसके पीछे?
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही सुबह 7 बजे घड़ी की सुइयों में तो लोगों का आना जाना शुरू हुआ, लंबी लंबी कतारें लगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे धूप बढ़ने लगी लोगों की संख्या पोलिंग बूथों पे कम हुई है, लोगों का आना जाना कम हुआ है। ये एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है कि लोग कम हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर लगन का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, लगातार लोग अपने शादियों में सम्मिलित होने हो रहे हैं। कल भी बड़ी शादियां थी और आज भी बड़ी संख्या में शादियां हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो जिस कारण से अभी भी ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे धूप कम होगी, शाम ढलना शुरू होगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी अब और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनका भी ये कहना है कि शुरुआत में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा डाउन रहता है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी कम रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है दोपहर के बाद वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। 2019 के वोटिंग परसेंटेज पर अगर नज़र डालें तो 2019 में लगभग 70% मतदान सीधी संसदीय क्षेत्र में हुआ था, और ये माना जा रहा है, प्रशासन का ये मानना है कि इससे ज़्यादा मतदान होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा मतदान की उम्मीद हम भी कर रहे हैं विवेक, लेकिन इसके साथ ही अगर महिला मतदाताओं की बात करें, महिला मतदाताओं का आंकड़ा कैसा देखने को मिल रहा है, और लोगों से अगर आप बातचीत कर पाएँ या फिर उनसे अभी बातचीत कर पाए हो तो ये भी बताइएगा कि मुद्दे इस बार के क्या हैं। जी विवेक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, लौटूंगी। हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बीजेपी प्रवक्ता हैं। केदार जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। क्या कहेंगे, इकलौती सीट बस्तर जिसमें पहले चरण में मतदान हो रहा है, धड़कनें तो बढ़ी होंगी प्रत्याशियों की कि किसे चुनने वाली है जनता, लेकिन आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है, और चुनाव के पहले ही अगर रुझान, और मैं तो कहूंगा कि नतीजे भी लगभग स्पष्ट हो रहे हैं, जब बस्तर के ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, और आरोप भी ऐसा कि आदिवासी भाइयों की अनदेखी की गई, आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया, आदिवासी भाइयों के धर्मांतरण के मुद्दे पर बात चलती रही, आदिवासी भाइयों के शमशान पर बात चलती रही, चर्चों पर बात चलती रही, और विकास की बात जहां तक करूं तो पोटा कैबिन स्कूल ध्वस्त हो गए, वहां टीचर्स नहीं थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो रोडें बननी थी वो रोड नहीं बन पाई, जो भाजपा ने रोडें बनाई थी उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाए, और निश्चित रूप से लगातार जो नक्सलवाद बढ़ रहा था, गली मोहल्लों में नक्सलवाद बढ़ गया था, आप देखें कांकेर के जो जंगलों में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, वहां कांकेर के पास इतनी बड़ी संख्या में नक्सलवादी आ जाते हैं। अभी सरकार को गए 3 महीना हुआ, हम बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में नक्सलवाद फल फूल रहा है, अरे हद हो गई थी, भाजपा के 10-10 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी और नक्सलवाद के नाम पर, और वो नक्सलवादी कहते थे कि भाजपा का प्रचार करोगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, अरे वो नौजवानों का क्या कसूर था? भारत तो लोकतांत्रिक देश है ना, हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो क्या हमारी हत्याएं कर दी जाएगी? और शासन प्रशासन मौन था। आप देखिए कि शिशुपाल सोरी जी कल भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, जो आईएएस कैडर के हैं और रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद उन्होंने गौड़ समाज के अखिल भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भाजपा का प्रवेश लिया, और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि आदिवासी भाइयों की अनदेखी होती है, कांग्रेस के राज में आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होता है। और मैं यहाँ बड़े दृढ़ता के साथ एक बात कहूंगा कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बस्तर विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी और बस्तर का विकास तेज किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में साय साय काम हो रहा है, तेंदुपत्ता 5,500 रुपए में बोरी खरीदा जा रहा है, इसके पहले लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बोनस और लाभांश जो आदिवासी भाइयों को तेंदुपत्ता में मिलना था वो कांग्रेस की सरकार ने बड़ा तो विकास के कामों को गिनाने की जरूरत नहीं होती, वो जनता को दिखाई देते हैं। सुबोध जी, कहां हो रहे हैं काम, कैसे देख रहे हैं इन कामों को कांग्रेस? देखिए, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर का विकास करती तो हम 12 की 12 सीटों को जीत करके नहीं आते। आज ये कह रहे हैं नक्सलवाद के पर कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद फला और फूला, तो नक्सलवाद की सबसे बड़ी घटना अगर इस देश और इस प्रदेश में हुई तो वो हमारे साथ हुई। 2013 में हमने अपने सबसे
टॉप लीडरशिप को खोया। झीरम घाटी के हमले में नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मौन थे, उनका इंटेलिजेंस विभाग वीक था या ज्यादा इंटेलिजेंट था, इस पर सवाल उठना चाहिए। इस पर सवाल उठना चाहिए कि जब आम जनता को सलवा जुडूम के माध्यम से वहां पर परेशान किया जा रहा था, तब डॉक्टर रमन सिंह मौन क्यों थे? जब महेंद्र कर्मा जैसे नेता के ऊपर लगातार हमले होते थे, तब डॉक्टर साहब मौन क्यों थे? जब नंद कुमार पटेल के ऊपर गरियाबंद में हमला हो गया था, उसके बाद भी मौन क्यों थे? क्या उनको जानकारी थी झीरम का हमला होने वाला है? क्या वो चाहते थे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए? तो नक्सलवाद पर हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से योग्य नहीं है। वो लोग नक्सलवाद पर उस दिन बात करें जब झीरम घाटी के हमले के लोगों को न्याय दिला पाएंगे। दूसरी बात, बस्तर के विकास की बात। हमने बस्तर का जो विकास किया वो हमें पता है और बस्तर की जनता को पता है। मैं इस चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ, बस्तर समेत पूरे बस्तर में दो सीटें हैं, कांकेर और बस्तर, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आएगी। हमने उन्हें उनका अधिकार दिया, ठीक है सुबोध जी, आपके जैसे दावे ऐसे ही जीत के दावे बीजेपी के भी हैं और ऐसे ही जीत के दावे तो देखिए निर्दलीय प्रत्याशी को भी होंगे। लेकिन अगर बात बस्तर की हो रही है तो सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी अनमोल के पास। अनमोल, क्या अपडेट है आपके पास? मतदान प्रतिशत कितना बढ़ चुका है? और लोगों से तो बातचीत करते रहिएगा, उनसे जानिएगा कि जमीनी हकीकत क्या है, मुद्दे क्या है। नहीं पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा जी। अनमोल फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं रितु, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है अनमोल, सुन पा रहे हो मुझे अगर आप, तो जवाब दीजिएगा कि कितने फीसदी वोटिंग अब तक हो चुकी है, और लोगों से भी बातचीत करते रहेगा अनमोल। रितु, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, माफ। ठीक है अनमोल, हम फिर से कोशिश करेंगे, अनमोल से जुड़ेंगे। जी आवाज आ गई है। जी अनमोल, देखिए रितु, देखिए दावे और वादे हमेशा किए जाते हैं। हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं राजनीतिक, वो कुछ भी दावे करते रहे, हमें जरूरी ये है कि हम ये बता दें कि आज मतदान के दिन आखिर बस्तर में क्या हो रहा है। देखिए मतदान हो रहा है आज बस्तर में, और उन इलाकों में आज मतदान हो रहा है जहां नक्सलियों का गढ़ रहा है। मैं आपको अपडेट दे देता हूँ एक एक करके। रितु आज उस इलाकों में मतदान हुआ है सुकमा के, जहाँ पर नक्सली जो थे उनका गढ़ माना जाता था। जो लोग हैं पोंगा भेजी, देखिए ये इलाका जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नक्सलियों का गढ़ रहा है। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर का सफर तय कर लोग जो हैं मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि बस्तर में लोग किस तरीके से आज लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। एक और अपडेट आपको मैं दे देता हूँ रितु, कि जो बीजापुर का इलाका है वहां पर भी कुछ इसी तरीके का नजारा आ रहा है। लोग ट्रैक्टर में भर भर के जा रहे हैं, लोग डंपर में भर भर के जा रहे हैं मतदान केंद्र में पहुंचने। जिसको चोट लगी है वो व्हीलचेयर के माध्यम से मतदान करने जा रहा है। तो चाहे दावे वादे कुछ भी हो, लेकिन आज की हकीकत ये, असलियत ये है कि आज बस्तर में लोग बेखौफ होकर मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, और ये तस्वीरें आज बस्तर के अलग अलग इलाकों से निकल कर आ रही है। जी रितु, बिल्कुल यही तस्वीरें और यही खूबसूरत तस्वीरें हैं लोकतंत्र के इस महापर्व की। अनमोल, मैं आपके पास और इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मिल रही है बड़ी खबर। सुबह 11 बजे के क्या कुछ रहे आंकड़े आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। आज 25.20% मतदान अब तक हो चुका है। बिजनौर सीट पर 25% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। यूपी की 8 सीटों पर अब तक 25% से ज्यादा हुआ है मतदान। बिजनौर में 25%, कैराना में 25% के करीब वोटिंग हुई है। मुरादाबाद में 23% मतदान, तो नगीना में 26% के आसपास। मुजफ्फरनगर में 22% के करीब मतदान हुआ है। इधर पीलीभीत में 26% के करीब वोटिंग हुई है। 8 सीटें उत्तर प्रदेश की जहां मतदान जारी है, और अब तक इन्हीं 8 सीटों के जो कुल आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, करीब 25% मतदान हो चुका है। और ये लोकसभा सीटों के भी आप देखिए कि कहां कितना मतदान अब तक हुआ है। तो विस्तार न्यूज आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम उन राज्यों के अपडेट देगा जहां वोटिंग जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। मेरे सहयोगी अनमोल मेरे साथ जुड़े थे, अंचल जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।